Assalamu alaikum to my YouTube students. How are you all? Hope that you all are fine students. Welcome to Twitter online. Students, आज हम लोगों ने factorization करनी है using identities. सिर्फ दो identities में यहाँ पे आप लोगों से introduce करवाऊँगी, बाकी भी हैं I guess 6 or 7 और identities हैं, लेकिन उनको यहाँ पे हम use नहीं करें. यहाँ पे हम सिर्फ first two identities को use करते हुए अपने questions को solve करेंगे. अच्छा, अब ये बात आती है कि इन identities को use करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है. जो method one हमने HCF वाला देखा था, तो क्या वही काफ़ी नहीं था? नहीं, वो काफ़ी नहीं था. क्यों काफ़ी नहीं था स्टूडेंट्स? क्योंकि देखिए, जब हमने वो फैक्टराइजेशन की थी, हमने उसमें से हर टर्म में से कॉमन उसके निकाले थे, ठीक है, कॉमन मल्टीपल्स निकाले, कॉमन फैक्टर्स निकाले थे, सॉरी. अब अगर इस तरह का कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जिसमें हर टर्म में कॉमन फैक्टर्स ना हो, तो हम क्या करेंगे? यानी अगर 3 टर्म एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक है, तो हम लोग उसको किस तरह से सॉल्व करें? अगर उसमें HCF सिर्फ 1 है, कॉमन मल्टीपल सिर्फ 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे उसके लिए? हम लोग उसके लिए आइडेंटिटीज़ को यूज़ करेंगे, ठीक है. वहाँ पे वो मेथड यूज़ नहीं हो सकता जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया. तो कमिंग टूवर्ड्स द आइडेंटिटीज़, आइडेंटिटीज़ क्या हैं स्टूडेंट्स? आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है कि अगर आप लोगों के पास ए प्लस बी होल स्केयर है, ए प्लस बी होल स्केयर है, तो आप लोग इसको किस तरह से लिख सकते हैं? ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर. अब इसका एक मतलब ये भी है कि अगर आप लोगों के पास कोई अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, जो फॉर्म है ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, तो आप लोग उसको किस तरह से लिख सकते हैं? ए प्लस बी होल स्केयर. बिल्कुल इसी तरह से अगर आप लोगों के पास कोई अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो आप लोग उसको इस तरह से इनक्लोज कर सकते हैं, ठीक है. क्या है ये? ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर. आप लोग लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्केयर, ठीक है. क्यों? क्योंकि जब ये फॉर्मूला एक्सपेंड होगा तो ये इसी फॉर्म में आएगा. अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन क्या है और आइडेंटिटी कब यूज़ करनी है, क्यों यूज़ करनी है. द क्वेश्चन इज़ 4x स्केयर प्लस 24x प्लस 36. नाउ स्टूडेंट्स, कमिंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज़ 4x स्केयर प्लस 24x प्लस 36. इस क्वेश्चन को किस तरह से हम लोगों ने सॉल्व करना है? सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सबसे पहले चेक क्या करना है कि फर्स्ट टर्म जो कि 4x स्क्वायर है, क्या आप लोग इसको एज अ होल स्क्वायर लिख सकते हैं? क्या मैं इसको 2x होल स्क्वायर लिख सकती हूँ? क्योंकि जब ये स्क्वायर ओपन होगा तो ये 4x स्क्वायर बन जाएगा, तो बिल्कुल मैं इसको 2x स्क्वायर लिख सकती हूँ. 36, क्या मैं इसको किसी के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकती हूँ? 6 का स्क्वायर बिल्कुल लिख सकती हूँ, जो क्या है 6 का स्क्वायर. अब 24x, 24x को आपने स्क्वायर के फॉर्म नहीं चेक करनी आपने, क्योंकि ये सेकंड टर्म है. आप लोगों ने इसकी सेकंड टर्म चेक करनी है आइडेंटिटी की, ठीक है. हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं. क्यों यूज़ कर रहे हैं ये मैं आप लोगों को एंड पे बताती हूँ, लेकिन आप लोग पहले ये नोटिस करें कि मैं क्या कह रही हूँ. कि देखिए, मैंने फर्स्ट टर्म चेक की, क्या वो स्केयर के फॉर्म में लिखी जा सकती है? लिखी जा सकती है. फिर लास्ट वाली चेक की, थर्ड भी लिखी जा सकती है. सेकंड वाली को इसके इक्वलेंट लेकर आना है कि क्या वो इस तरह से लिखी जा सकती है 2ab के फॉर्म में. तो 2a क्या है यहाँ पर? ये है. और बी क्या है? यानी ए जो है वो 2x है, बी जो है वो 6 है आप लोगों के पास. तो क्या मैं इसको 2ab लिख सकती हूँ? मैंने यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट के मैं चेक कर रही हूँ इसको. a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू 6, तो मल्टीप्लाई करें 24x आना चाहिए. 2 to the 4, 4 6 था 24 एंड x एज इट इज़. तो इसका मतलब है मैं इसको लिख सकती हूँ 2ab की फॉर्म में. ये याद रहे कि ये 2 जो है हमने इस ये वाला 2 है, यहाँ पर आइडेंटिटी का 2 है चेक करने के लिए, ठीक है. 2ab बन रहा है या नहीं बन रहा? बन रहा है, ठीक है. इसकी ये फैक्टराइजेशन हो सकती है, ठीक है. इनके स्केयर की फैक्टराइजेशन चेक करनी है कि क्या इसको एज अ स्केयर ऑफ सम वन लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है. 36 को 6 का स्केयर लिखा जा सकता था, 4x स्केयर को 2x का स्केयर लिखा जा सकता था. 24x को स्केयर नहीं चेक करना, इसकी ये फॉर्म चेक करनी है, ये फैक्टर्स चेक करनी है कि 2ab की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो लिखा जा सकता है. अब हमने क्या करना है सिंपली, इसका मतलब ये है हमने इसको लिखा 2x का स्केयर प्लस 2a क्या है आप लोगों के पास? ही मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई बाय 6, 2ab प्लस b का स्केयर जो कि 6 है. तो स्टूडेंट्स, ये पूरी फॉर्म किससे फेमिलियर है? बिल्कुल इसी से फेमिलियर है. तो हमने क्या कहा था कि अगर कोई भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो आपने उसको किसके इक्वल कर देना है? ab होल स्केयर में.
तो जी मैंने यहाँ कर दिया इसको ए बी होल स्क्वायर के इक्वल करना है, जो मेरे पास बनेगा मेरा ए क्या है 2x, बी क्या है 6, 2x प्लस 6 का स्क्वायर। अब आप लोगों को पता है कि 2x प्लस 6 होल स्क्वायर किस किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, 2x प्लस 6 दो दफ़ा लिख दिया हमने, तो ये क्या है इसके फैक्टर्स हैं, इसके आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए हमने फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए, इसके ये दो फैक्टर्स बने कटिंग, ये इसका एक फैक्टर है और ये इसका दूसरा फैक्टर है। नाउ द कमिंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन के यूज़ कहाँ पे करनी है, आइडेंटिटी कौन से अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्या हर थ्री टर्म अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आप लोग पॉलिनोमियल में आप लोग यूज़ कर सकते हैं ये वाले आइडेंटिटीज़, नहीं ये इसका मेथड नहीं है यूज़ करने का। मेथड सिंपल ये है स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास कोई भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आए आप लोगों ने देखना है कि क्या उसकी फर्स्ट टर्म और उसकी थर्ड टर्म किसी का स्क्वायर बन रही है, जो कि हमने यहाँ पे चेक किया बन रही है, तो आप लोगों ने सोचना है कि ठीक है इसमें आइडेंटिटी यूज़ की जा सकती है। फिर क्या चेक करना है जी, फिर ये चेक करना है कि क्या वो 2ab की फॉर्म में लिखा जा सकती है, उसकी सेकंड टर्म लिखी जा सकती है, तो आइडेंटिटी यूज़ कर लें, अगर नहीं तो उसके लिए आप लोगों के पास डिफरेंट मैथड्स हैं। एक पहला मैथड वो जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया, फिर एच सी एफ देखें, सबसे पहले वैसे मेथड यही है कि आप लोग एच सी एफ देखें, अगर तीनों में कुछ कॉमन है तो आप लोग वो ले लें सबसे पहले बाहर, ठीक है, देन आप लोग ये यूज़ करें। अगर एच सी एफ वाला मेथड नहीं फॉलो हो रहा तो आप लोगों ने क्या करना है, आइडेंटिटीज़ चेक करनी, आइडेंटिटीज़ होनी चाहिए, अगर आइडेंटिटीज़ नहीं यूज़ हो रही तो इसके अलावा एक तीसरा मेथड है फैक्टराइजेशन करने का, हम लोग वो यूज़ करते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे हमें डिस्कस नहीं करें, क्यों, क्योंकि आप लोगों को ये अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए जो हम लोगों ने यहाँ पे आइडेंटिटीज़ को यूज़ किया, ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप लोग माइनस की आइडेंटिटी को भी यूज़ करते हैं, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो मैं ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करूँगी, गेटिंग। सो स्टूडेंट्स होप डैट यू अंडरस्टैंड इट, इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू सो मच।